मेस मिठा चारा फिर मन सिखा पदिंग समाधियामी भगवान बुद्ध की जाति। भारत के अंदर कोई चीज यहाँ कोई ढूंढे या ना ढूंढे, मगर मनुष्य की या जानवर की या सभी की जातियां बड़े गौर से लोग देखते हैं, सुनते हैं और ढूंढते हैं, अगर कोई ना हो तो, और अगर ना हो तो कल्पना के रूप में जबरदस्ती बनाने की लादने की कोशिश भी करते हैं। बिना जाति का कैसा मनुष्य, भारत की प्रधानता है, इसलिए हर व्यक्ति का पहला क्वेश्चन होता है। जाति का मनोवैज्ञानिक लाभ होता है, जिसकी जाति ऊपर होगी उस वो हमेशा नीचे जाति वाले का शोषण करेगा। ये कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ प्रैक्टिस में चलता है। इसकी जाति छोटी, इसकी बड़ी, जगह 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 जगह, क्योंकि बड़ा आसान हो जाता है, छोटी जाति वाला बेचारा दब जाता है, बोल नहीं सकता, उसकी आंखें झुक जाती हैं, उसका सब कुछ एक तरह से बड़ी जाति वाले का अधिकार हो जाता है, चाहे उसका पैसा है, चाहे उसकी स्त्री है, ऐसा जाति के फिनोमिना में दिमाग में डाला हुआ है। मगर आज तक किसी ने नहीं बताया कि जातियां कैसे बनी, कहां बनी, किसने बनाई, पहली जाति कब बनी, दूसरी जाति कब बनी, कौन वो लोग थे जो जाति बनाते हैं। ये तो तय है कि जिनको जाति का फायदा है वो जाति नहीं छोड़ना चाहेंगे, और जिनको जातियों का नुकसान है वो जाति बहुत तेजी से छोड़ रहे हैं। तो भगवान बुद्ध की जाति के लिए कई बार प्रश्न आता है, कहते हैं उनकी जाति क्या है। पाली के अंदर जाति का मतलब होता है उत्पन्न होना, पैदा होना। जाति जरा मरण दुखा, ये स्पष्ट कई कई बार आया हुआ है, इसका मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना, दुख होता है। भगवान बुद्ध जो सब्जी और साग वाले लोग थे, क्योंकि शय शब्द तो पाली में होता नहीं, इसलिए शाक्य जो शब्द है वो तो बाद में मॉडिफाइड हुआ है, संस्कारित हुआ है शय आने के बाद। उससे पहले जो खेतीय लोग थे, खेतियों को बाद में क्षेत्रीय कहने लगे, क्योंकि छह वर्ड भी नहीं होता पाली के अंदर, तो खेतीय वर्ड होता है, खेतीय, खत्ती, खेत। तो खेतीय लोग जो होते थे, जो साग सब्जी उगाया करते थे, उनको शाक्य बोला करते थे। भगवान बुद्ध का एक चित्र है जिसमें वो दूध भी निकाल रहे हैं, तो उनको ग्वाला भी कह सकते हैं, दूध निकालने वाला भी कह सकते हैं, क्योंकि जिनके खेत थे उन्हीं के पास पशु थे, और जिनके पास पशु थे वो पशु का चारा खिला के दूध भी निकाला करते थे। तो वैसे भी भगवान बुद्ध का जो एज लाइन है उसको गौतम बोलते हैं, और जो सारी की सारी जितनी भी लाइन है उसमें सारे के सारे धान ज्यादा उगाया करते थे। 11वें साल में तो भगवान बुद्ध खुद हल चला रहे हैं, बाद में भगवान बुद्ध हुए हैं, पहले तो वो सिद्धार्थ गौतम थे, बालक सिद्धार्थ गौतम थे, तो वो खेत भी चला रहे हैं, वहां ध्यान भी कर रहे हैं, जामुन के पेड़ के नीचे। जम्बूद्वीप इसलिए पड़ा है क्योंकि जामुन माने जम्बू, और जम्बू यहाँ बहुत सारे थे, तो इसलिए जम्बूद्वीप इसको बोला भी करते थे। तो जो जाति है भगवान बुद्ध की, क्योंकि उस समय तो जाति का कहीं कोई दूर दूर तक निशान था ही नहीं। जाति अभी 400-500 साल की या 200-300 साल में ज्यादा पैदा हुई है, क्योंकि पुराने जो लोग थे उनके नाम के पीछे कोई आज के समय का जाति प्रधान नाम नहीं है। आज आप नाम से पहचान सकते हैं कि पीछे जो नाम लगी है ये क्या है क्या नहीं है, उसको आसानी से बता सकते हैं, मगर उस समय भगवान बुद्ध के समय नाम के पीछे कोई ऐसे शब्द नहीं होते थे जिससे सूचना मिलती हो। ये अभी की पैदाइश है, 70-80 साल में ये नामों को पीछे लगाना शुरू किया लोगों ने, बाकी पहले सिंपल नाम हुआ करते थे, नाम से अंदाजा नहीं लगता था। तो जाति उस समय होती नहीं थी। भगवान बुद्ध का जो वर्ण है यानी कि रंग है, पाली के हिसाब से वर्ण को रंग बोलते हैं, बाद में इसको वर्ण बोला गया है, आधा रह लगाया गया है, आधा रह पाली में नहीं होता, इसको पाली के अंदर वर्ण बोला करते थे, वर्ण। तो वर्ण जो है, रंग है, वो क्या है, काला रंग है, उनका सामा रंग है, वो समर है, सामा रंग है, और यहाँ के मूल निवासी ओरिजिनल रहे हैं। यहाँ के मूल निवासियों की कोई जाति कभी भी नहीं रही है। आप पूरा हायरार्की, पूरा हिस्ट्री, पूरी किताबें उठा लीजिए, आपको यहाँ के लोगों की जाति नहीं मिलेगी। ये आपको ताज्जुब होगा कि जाति के सिस्टम का कहीं लिखित में ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि है ही नहीं, कल्पना में है। अगर होती तो भगवान बुद्ध के साहित्य में होती, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो साहित्य है वो तो हिस्ट्री है, और उसमें जातियों का वर्णन होता। उसमें सिर्फ दो रंग का वर्णन है, समना और वमना, यानी कि जो यहाँ के काले लोग हैं, समन लोग हैं, और वमना जो होता है वो उड़ता हुआ पक्षी, यानी कि जिसको बाहर से आया हुआ बोलते हैं, वमन यानी कि जो बाहरी रमण करने वाला है, बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, बाहरी मन वाला व्यक्ति है, उसको बोला गया है। जो
ऐसे होते थे जिनको अवर्ण बोला जाता था। अवर्ण का मतलब है जिनका रंग नहीं होता था, यानी यहाँ के जो लोग थे भगवान बुद्ध जो थे वो सुवर्ण थे। सुवर्ण का मतलब है अच्छे रंग वाला, अच्छे रंग का मतलब है गेहूं का रंग, जिसका हिरण्य वर्ण जैसा हो, जिसका सुनहरा रंग हो, जिसका उगते हुए सूरज जैसा हो, जिसका धान जैसा रंग हो, जिसका गेहूं जैसा रंग हो, जिसका हिरण जैसा रंग हो, या बाद में जब सोना आ गया तो सोने जैसा रंग हो, लगभग पीला जैसा एक सा रंग, वो यहाँ के लोग थे तो उनको सुवर्ण बोला करते थे कि इनका रंग अच्छा है। और जो बाहर के लोग आए उनका तो रंग ही नहीं था, वो तो सफेद थे, उनकी स्किन सफेद थी, तो उनको कह दिया था कि ये अवर्ण है। ए माने नहीं और वर्ण माने रंग, यानी कि उनका रंग ही नहीं है। दो तरह के रंग चला करते थे, उन्हीं रंगों की मनुष्य के यहाँ पहचान होती थी और उन्हीं रंगों से सारा लोगों को एक दूसरे को जानते थे। तो बाहर वालों को वमन कहा और यहाँ वालों को, जो यहाँ के लोग थे, सामा लोग थे तो समण था, समता में रहने वाले थे तो समण लोग हो गए, तो भगवान बुद्ध समण थे। तो इसलिए जो लोग भगवान बुद्ध की जाति खोजते हैं या जो लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध हमारे वंश के हैं, शाक्य वंश के हैं, कहें उनको गुरूर होना चाहिए, अच्छी बात है, मगर भगवान बुद्ध तो दूध भी निकालते थे, तो कल को दूध निकालने वाले लोग कहेंगे हमारे वंश के थे, भगवान बुद्ध तो भारत के थे तो लोग कहेंगे भारत वंश के थे, और अब तो भगवान बुद्ध पूरी दुनिया के गुरु हैं तो दुनिया के लोग कहेंगे हमारे गुरु हैं। होना चाहिए, क्योंकि जगत गुरु की परिभाषा भगवान बुद्ध ने ही बनाई है, जाति से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि वहां जो साहित्य है उसमें लिखा हुआ है कि वहां एक सुनीत नाम का भंगी था या एक उपाली नाम का नाई था। तो उपाली नाम का नाई और सुनित नाम का भंगी, भंगी का मतलब मैंने एक वीडियो बनाया भंग करने वाला, और नाई जो उस समय काम होता था, जो बारबर के रूप में बनाता था या काम करता था, उसको बोलते थे। मगर ये जातियां नहीं है, क्योंकि अगर जातियां होती तो एक भी भगवान बुद्ध का शिष्य ऐसा नहीं है जो जूता बनाने वाला होता या जिसको चमार बोला जाता उस समय, ऐसा शब्द भी नहीं है, यानी चमार शब्द भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कोई सफाई कर्मी भी वहां हो, क्योंकि सफाई का काम नहीं था उस समय के, जो काम थे सिर्फ लकड़ी का काम था, या जो जानवरों की खाल का था वो काम था, या कपड़े बनाने का शुरू हो गया था वो काम था। तब तक तो कागज भी नहीं आया था, स्क्रिप्ट भी नहीं आई थी, लोहे का भी डाउट है कि बुद्ध के समय में लोहा था या नहीं था, मगर तांबा जरूर था, गोल्ड जरूर था। तो उसको काम करने वाले जो होते थे उसको जो गोल्ड स्मिथ या सुनार बोला करते थे, जो तांबे पर काम करते थे, जैसे चुंद सुनार हैं, तो ये काम करने वाले लोग थे, इनकी जातियां नहीं थी। हर एक आदमी हर एक काम करता था, और अधिकतर लोग खेतों में काम करते थे, अधिकतर लोग जानवरों का शिकार करते थे, अधिकतर लोग मांस लेकर आया करते थे, अधिकतर लोग अंडे लेकर आया करते थे, अधिकतर लोग जंगलों में जाके जानवरों से लड़ा करते थे, या खेतों में जाके साग सब्जी उगाया करते थे, धान उगाया करते थे, यही दो प्रमुख काम थे। इसलिए जातियां, भगवान बुद्ध की क्या जाति रही क्या नहीं, अगर कुछ होती या जाति बन चुकी होती तो साहित्य में जरूर आता, बताया जाता, मगर जो भगवान बुद्ध के जितने भी साथ लोग चले हैं उनकी भी नहीं है। बाद में साहित्य मिक्स किया गया है, क्योंकि साहित्य मिक्स किया गया है तो उसमें कुछ शब्द जोड़ने की कोशिश की गए हैं जो पाली के शब्द है ही नहीं। आधा रहे अगर किसी शब्द में लग जाए तो वो पाली का नहीं होता, ये स्पष्ट पहचान होती है, आप इसको चेक कर सकते हैं, उस शब्द को नकार सकते हैं कि ये शब्द हमारा नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है कि भगवान बुद्ध की जाति थी ही नहीं, और उस समय कोई जाति का सिस्टम था भी नहीं, सिर्फ दो रंग थे, एक सफेद और एक जो सामा है या गोल्डन कलर है, या जिसको काला कह सकते हैं या जिसको सांवला कह सकते हैं, एक वो था। भगवान बुद्ध का रंग सांवला या सुवर्ण या काला बोला जा सकता है। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा
पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदल कर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Gacchami.